So, यार ट्रांसमिशन लाइन पे काम करना काफी रिस्की काम होता है और उस बहुत ज्यादा डेंजर होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज जो बात है से बहुत ज्यादा ही होता है। सो, जो लोग ट्रांसमिशन लाइन पे काम करते हैं, एक तरीका होता है ट्रांसमिशन लाइन को ऑफ कर दिया जाए, यानी कि उसके उस पर जो लाइन है वो ना रहे, और दूसरी चीज वो लाइव लाइन रहे, यानी कि उस पर सप्लाई आती रहे। सो, उस टाइम भी लोग वर्क करते हैं, तो उस पर कैसे काम करते हैं, उनको करंट क्यों नहीं लगती, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। सो यार बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन पे तीन तरीके से काम होता है। पहला ऑफलाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन की जो सप्लाई है उसको कट कर दिया जाए पूरी तरह से। दूसरा हेलीकॉप्टर के हेल्प से, और जो लाइन मैन होता है उसको ट्रांसमिशन लाइन पे लैंड करा दे, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पे उतार दिया जाए कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे वो वर्क करे, उसके बाद उसको फिर वहाँ से उठा लिया जाए। और तीसरा तरीका है कि हेलीकॉप्टर पे बैठे बैठे ही वो ट्रांसमिशन लाइन पे काम कर ले। ये तीन तरीके होते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे काम करने के, तो हम स्टेप वाइज इन सबको समझेंगे। और जिन टाइप के वर्क्स में लाइव लाइन रहती है उस टाइम लाइन पे काम करने वाले को करंट क्यों नहीं लगती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो उस वर्क को कम्प्लीट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सर पहला तरीका ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई को कट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो उस पर स्टोर चार्ज है, ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसमिशन लाइन की लाइन को कट कर दिया उसके बाद डायरेक्ट उस पर चढ़ गए तब भी शॉक लग सकता है। इसके लिए उसके जो ऊपर का चार्ज होता है उसको पूरा का पूरा ग्राउंड करते हैं, उसके बाद उस पर जाके वर्क करते हैं। सो बाकी के दो तरीकों में क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप के सूट को पहना जाता है जिससे उन्हें शॉक नहीं लगता है। सो मैं बात करता हूँ टाइप टू की। टाइप टू में क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन पे वर्क कराने के लिए जो लाइन मैन होता है, जो लाइन पे काम करता है लाइव लाइन पे, उसको हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे पूरा लैंड करा दिया जाता है। अब उसको उस पर लैंड करा देते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर को वहां से हटा लेते हैं। बट इसके बीच में एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि जो लाइनमैन होता है उसने एक स्पेशल टाइप का सूट पहन रखा होता है, उसके सरफेस यानी कि उस जो सूट पहन रखा होता है उसने उस पे चार्ज होता है, उसकी बॉडी में जरा सा भी चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि वो पूरा का पूरा कवर्ड होता है। बट उसकी बॉडी पे चार्ज होता है और हेलीकॉप्टर पे बिल्कुल चार्ज नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, एक स्टिक के मीडियम से हेलीकॉप्टर पे भी चार्ज कर देते हैं, हेलीकॉप्टर पे भी चार्ज को डिवाइड कर देते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है या फिर शॉक लग सकता है, काफी चीजें हो सकती हैं। बात करेंगे टाइप थ्री की। टाइप थ्री में क्या होता है, हेलीकॉप्टर में ही पूरा सिस्टम बना दिया जाता है जिसपे बैठे बैठे ट्रांसमिशन लाइन पे वर्क किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन पे हेलीकॉप्टर बैठे बैठे काम तो किया जाता है, लेकिन वहां पे भी जो चार्ज होता है ट्रांसमिशन लाइन पे काम करने वाले के सरफेस पे और हेलीकॉप्टर के सरफेस दोनों पे होता है, जिससे कि दोनों को स्पार्क नहीं होता है और कोई भी खतरा नहीं होता है। इन दोनों तरीकों में एक स्पेशल टाइप के सूट का यूज किया जाता है जिसको वहाँ पे काम करने वाला पहनता है, हेलीकॉप्टर चलाने वाला, ये सारे पहनते हैं जिससे उनको कोई खतरा ना हो। लेकिन उस सूट को क्या बोलते हैं, इस सूट को डिजाइन किया गया था दूसरे पर्पज के लिए कि जब टेस्ला कॉइल बनाई जाती थी तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम डायरेक्ट छूते थे, डायरेक्ट छूने पे शॉक लग जाता था, ये सारी चीजें होती थी, इसलिए सूट को इन्वेंट किया गया। तो इसको बोलते थे फैराडे सूट, फैराडे सूट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोलते हैं कंडक्टर सूट। सो यहाँ पे बॉडी और हेलीकॉप्टर दोनों पे चार्ज स्टोर हो जाता है, बट एक सर्किट कंप्लीट नहीं होता जिस वजह से शॉक नहीं लगता है। दूसरी चीज, जब हेलीकॉप्टर लैंड कराते हैं सो उसको पहले ग्राउंड कर देते हैं, तब उसको कोई टच करता है या फिर उसको अपनी बॉडी से टच करते हैं, क्योंकि ग्राउंड किए बिना उसको बॉडी से टच करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इसलिए उसको पहले ग्राउंड करा देते हैं, उसका सारा चार्ज जो है ग्राउंड हो जाता है, उसके बाद फ्री चार्ज हो जाता है और उसको आसानी से कोई भी टच कर सकता है। कंडक्टर सूट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे सकता हूँ इसका। सो यार इस सूट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, आप देख सकते हैं। ये मैंने खोल रखी है अलीबाबा की वेबसाइट, यहाँ पे ये सूट का प्राइस है 180 से $220 तक। तो ये जो सूट है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम नंबर पे आता है, वही मैंने जैसे कि बताया डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए, डिफरेंट साइज के लिए, आपकी बॉडी का साइज क्या हो सकता है, एक्स एम एल डबल एक्सएल, ये सारे साइज हो सकते हैं। सो इस पूरी कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए काइनेटिक फैब्रिक का यूज किया जाता है। तो हैंड के लिए डिफरेंट ग्लव्स होते हैं जो कि चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लेते हैं, और लेदर के शूज होते हैं डिफरेंट, थोड़े से अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए वर्क करते वक्त, डिफरेंट ग्लव्स होते हैं। और एक ये जो आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल इलास्टिक बेंडिंग स्ट्रिप होती है, ये क्या करती है, इसी से हम चार्ज को अपने बॉडी पे और हेलीकॉप्टर पे इसी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना है और स्पार्क का खतरा बिल्कुल ना हो। कंडक्टिव स्ट्रोक्स होते हैं सारे, यहाँ पे कैसे सीरीज मिलती है जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि लाइव लाइन पे काम करते वक्त लोगों को शॉक क्यों नहीं लगता है। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे डिस्कस कर दी, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन सा सूट पहनते हैं, सारी चीज़ें बता दी।
अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।